हाई गाइज़ गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ माई लाइफ आज के दिन हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी है अभी अर्ली मॉर्निंग है स्कूल के लिए रेडी होना है और काम के लिए रेडी होना है इन द मेन टाइम अभी नाश्ता भी करना है बल्कि लेकिन नाश्ता करने से पहले जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज अबाउट दिस अमेजिंग ऑपरचुनिटी जो आप लोग यूज़ करके पैसे कमा सकते हो बहुत से लोग हैं जो मुझे डी कर रहे होते हैं ई कर रहे होते हैं कॉमेंट सेक्शन में बोल रहे होते हैं तो आई केम अक्रॉस दिस ऐप इट्स कॉल्ड मरकज़ मरकज ऐप का ये सीन है कि यहाँ से आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर आराम से मंथली फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ अर्न कर सकते हैं कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने मर्कज ऐप जो है उसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में ठीक है उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है अपना ईजी पैसा या जायज़ कैश अकाउंट जो भी अकाउंट्स हैं वो आप लोगों ने उसके साथ कनेक्ट करना है ठीक है ताकि जो भी प्रॉफिट आए वो सारा आपके जो है अकाउंट में आप लोगों को रिफ्लेक्ट हो जाए सो बेसिकली इट्स लाइक अ होल सेल मार्केट एंड अ शॉपिंग सेंटर एज वेल वहां से आप लोग अपने लिए चीजें शॉपिंग कर सकते हो ठीक है साथ में आप लोग उन्हीं चीजों को रीसेल भी कर सकते हो अपना प्रॉफिट रख के फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रॉक है जिसकी प्राइस है थाउजेंड रुपीज ठीक है आप उसी फ्रॉक की पिक्चर्स वगैरह अपने फ्रेंड्स के सर्कल में या फैमिली में या जो भी आप लोगों का नेटवर्क बना हुआ है उसमें शेयर करके उस पर कर अपना प्रॉफिट रख के आप आगे रीसेल कर सकते हो ठीक है अगर आप लोग 1500 का उसको सेल करोगे तो फिर जो थाउजेंड रुपीज़ है वो आप मर्कज ऐप को दोगे और बाकी जो 500 है वो आपका प्रॉफिट है आपके पास आएगा दिस इज हाउ दिस ऐप वर्क एंड आई हैव सीन पीपल मेकिंग मनी आउट ऑफ इट आप फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ आराम से बना सकते हो और आप लोग चाहो तो अपना इंस्टाग्राम पे पेज स्टार्ट करके एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट र्जन हो इस तरह का और आप थोड़े थोड़े से करके ज्यादा ऊपर तक जा सकते हो ठीक है आई थिंक इट्स अ रियली गुड ऑप्शन टू गो फॉर स्पेशली फॉर वुमेन हु स्टे एट होम घर पे रह के पैसे कमाना आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स एक्स्ट्रा मनी आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स के आर उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाए ताकि वो अपने घर वालों को कंफर्टेबल कर दें अपनी फैमिली को सपोर्ट करें अपने हस्बैं को सपोर्ट करें, करें या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं ले लें अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं कर लें सो दिस इज हाउ दिस ऐप वर्क्स एंड आई थिंक इट्स रियली ईजी एंड कन्वीनियंट लाइक अगर आपको क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है आपको बाहर जा कपड़ा ख़रीद के खरीद उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा के सारी वो चीज़ें नहीं करवानी आपको जस्ट जाना है अपना डिज़ाइन पसंद करना है और उसको आपने आगे रीसेल करना है ठीक है दैट्स ऑल वो आपके लिए डिलीवरी वगैरह भी सारी सॉर्ट कर देते हैं ठीक है नाइन्टी रुपीज़ डिलीवरी के चार्जेस होते हैं और वो आपकी हेड नहीं है ठीक है वो मरकज़ ऐप के अपना काम है वो उन्होंने खुद ही सॉर्ट करना है ख़ुद ही मैनेज करना है फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ऑर्डर आ गया ठीक है आपने जो फ्रॉक था जिसकी मरकज़ ऐप पे प्राइस थाउजेंड रुपीज़ थी और आपने उसकी आगे प्राइस फिफ्टीन हंड्रेड बताई थी उसका आपको ऑर्डर आ गया अब आपने उसका जो नेम और एड्रेस वगैरह है और जो उसकी कॉस्ट है वो अपने मरकज़ को बतानी होगी कि यार ये वाली प्रोडक्ट है इसकी है, ये ये प्राइस है और मेरा इतना प्रॉफिट है और ये एड्रेस इस पर डिलीवर करवा दें वो आपके बिज़नेस के नेम से आपके जो कस्टमर हैं उसके पास वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर करवा देंगे ठीक है और उसके बाद जो है आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पास आ जाएगा बाकी जो मरकज़ की अमाउंट बनती है वो ऑब्वियसली उनके पास होगी तो दिस इज़ हाउ इट वर्कस और इसमें कम से कम अमाउंट भी आप लोग विद्रॉ करवा सकते हो आपके पास फोर हंड्रेड रुपीज़ भी आपके अकाउंट में आ गए आप उसी वक्त विद्रॉ करवा सकते हो आपके पास फोर्टी थाउजेंड है आप वो भी उसी वक्त विदड्रॉ करवा सकते हो अभी कोई मसला नहीं है और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी है वैसे इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अमेजिंग है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जस्ट इन केस इंसान ही बिजनेस कर रहे हैं ना अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको सॉर्ट करने के लिए इनके पास जो है वो रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी है अगर कुछ मसला है किसी भी प्रोडक्ट में किसी कस्टमर ने कुछ बोला है आप उनको बताएं वो फ़ॉरन एक्सचेंज भी हो जाएगा फ़ॉरन रिटर्न भी हो जाएगा उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है सो so, आप लोग घर बैठ के अगर अपना बिजनेस खुद से चलाना चाहते हैं सॉर्ट करना चाहते हैं मर्कज ऐप इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर ऑल यू हैव टू डू इज के आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है लिंक होगा उसको ओपन करें और जो ऐप है उसको इंस्टॉल करें और इन श घर बैठ के आप लोग पैसे कमाए। अभी ना नाश्ता करने का तो बिल्कुल मोड ही नहीं हो रहा ठीक है पता नहीं क्यों शायद रात को हमने बहुत हैवी खा लिया था इस वजह से तो हम लोग नाश्ते में सिर्फ प्लेन ब्रेड खा रहे हैं वरना हम लोग अक्सर अंडा पराठा खाते हैं और मैं ऑमलेट खा लेती हूँ ब्रेड के साथ उसना अंडा पराठा खाती हैं साथ दूध वगैरह पीती हैं तो आज जो है हम लोगों का बिल्कुल कुछ हैवी खाने को मूड नहीं हो रहा रात को हम बहुत लेट सोए थे क्योंकि संडे को हम लोग जब लेट जागते हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है फिर जल्दी सोया नहीं जाता तो लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा तो हम लोग काफ़ी देर तक रात को जो है ना स्नैकिंग वगैरह करते रहे तो अभी हम लोग खा रहे हैं सिर्फ ब्रेड हुसना तो कह रही थी कि मैंने कप केक खाना है मोमी मैंने कहा कि यार नहीं कप केक ना खाओ तुम तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा थोड़ा कुछ प्रॉपर खाओ तो मैंने उसको दो ब्रेड्स के ऊपर जैम लगा के दिए और ख़ुद मैं जो है ब्राउन ब्रेड के साथ ये वाला जो है ये मेरा है ब्रेड इस पे मैंने न्यूटेला और क्रीम चीज़ लगाया है बहुत मज़े का लगता है आप लोग ये कॉम्बो कभी ट्राई करके देखेगा और हुसना को जो है मैंने ऑरेंज मामलेट जैम लगा के दिया है इट्स हर फेवरेट साथ में हम लोग पी रहे हैं दूध सो नाश्ता कर लें फिर बाकी कामों के लिए तैयार होते हैं इट्स अ लॉन्ग डे डन विद द नाश्ता और अभी काफ़ी सारे काम करने हैं ठीक है अभी हुसना को पहले स्कूल ड्रॉप करके आते हैं फिर घर आके मुझे एक दो रिपोर्ट स्टडी करनी है देन आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड और उसके बाद फिर घर बस हाँ ये सारे काम मेरे बारह एक बजे तक हो जाएंगे विच इज़ गुड गुड इनफ यस देन आई स्पेंड द डे एट होम कटलिंग एंड स्नगलिंग विद माइट हु का लंच रेडी हो गया है ऊपर वाले कंपार्टमेंट में हमारे पास होते हैं एप्पल और क्योंकि डेली फ्रूट और वेजिटेबल यहाँ पे चेंज होता है किसी दिन यहाँ पे फ्रूट ऑरेंज आ जाता है स्ट्रॉबेरीज ब्लू बेरीज और यहाँ पे ब्रॉकली और वो चीज़ें और ये हम लोगों का है पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता साथ में एक कप केक आ जाता है और एक जूस आ जाता है इनके भी फ्लेवर्स चेंज होते रहते हैं हुसना को मैं स्कूल छोड़ आई आँ नाश्ता वाश्ता कर लिया लंच वगैरह सारा कुछ हुसना को मैं स्कूल छोड़ के आ गई अभी बहुत से काम है करने वाले ठीक है रेडी मैं हुई हुई हूँ पहले से ही मैं सोचती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो हुसना को जब ड्रॉप करने जा रही हूँ मैं उसी वक्त रेडी हो जाती हूँ ताकि घर आके जो भी काम है वो कंप्लीट कर लूँ सुस्ती ना हो क्योंकि अगर मैं कपड़े ना चेंज करूँ ना और मैं तैयार ना हो तो मुझे बहुत सुस्ती थी मैं उसको ड्रॉप करके वापस आकर फिर सो जाती हूँ विच इज़ सो रॉन्ग आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू वर्क ऑन माई रूटीन तो अभी मुझे अपनी कुछ रिपोर्ट्स हैं रेडी करनी है वंस द रिपोर्ट्स आर रेडी आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग मीटिंग करके हुना को पिक करके फिर मैं घर आऊँगी और हम लोग चिलिंग्स करेंगे मीटिंग जो मेरी थी और क्या होता है आई एम डन विद रिपोर्ट एज वेल और अभी मुझे जाना है बिजनेस डे वहां पर भी एक मीटिंग है आई गेट डन विद वेल इनशाला फिर वापसी पे एल पिकना और हम लोग घर आ जाएंगे अच्छा बहुत से लोग हैं जो कि मुझसे कमेंट्स में बोलते हैं मैसेजेस भी करते हैं कि वट डू आई एक्चुअली डू एंड हाउ डू आई मैनेज टू वर्क अलॉन्ग विद टेकिंग केयर ऑफ माय चाइल्ड सो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन टर्म्स आई हैव नेवर वर्क अंडर एनी आई वर्क विद पीपल एंड आई डोंट बिलीव इन द नाइन टू फाइव वाला सिस्टम बिकॉज आई थिंक इट्स लेवरी लाइक डिफरेंट लोगों का इसके बारे में डिफरेंट परस्पेक्टिव हो सकता है काम करना उसमें कोई हर्ज नहीं है कोई मसला नहीं है लेकिन आई थिंक अपने एम्प्लॉयज़ को बैडली ट्रीट करना और उनको ऐसे ट्रीट करना कि जैसे वो कोई रोबोट्स हैं या एनी थिंग लाइक दैट आई थिंक दैट्स रॉन्ग यू आर मेकिंग सम बडी फील लाइक ए स्लेव ठीक है स्लेव ऑफ द सिस्टम विच इज़ रॉन्ग रिस्पेक्ट एवरी वन यार अगर कोई आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो रिस्पेक्ट देम इफ़ अगर आपके पास कोई मार्केटिंग का बंदा है अगर आपके पास कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का बंदा है रिस्पेक्ट देम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका काम चल रहा है ना आपको किसी को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं और मैं सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही काम करती हूँ जो आपको टाइम के लिए पे नहीं कर रहे होते जो आपको काम करने के लिए पे कर रहे होते हैं ये चीज़ आजकल कंपनीज़ के लिए अंडरस्टैंड करना आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि यार मतलब यू नीड द सर्विसज राइट इफ समट इज गिविंग यू द सर्विस वाई डू यू हैव टू बाउंड नाइन टू फाइव आई डोंट गेट इट आई लिटरली डोंट गेट दिस अलाट ऑफ पीपल वर्क विद मी एज वेल और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी उनको बाउंड नहीं किया कि यार तुम लोगों ने जैसे काम करना है तुम लोग करो बस ये गोल है इसको अचीव करना है अगर ये गोल मुझे मिल जाता है वेल एंड गुड आई डोंट हैव टू बाउंड एनी वन टाइम के हिसाब से ठीक है तो मैं ऐसे ही लोगों के साथ काम करती हूँ इस तरह से मेरे लिए ईजी हो जाता है अपने घर को अपने बच्चे को अपनी लाइफ को मैनेज करना ठीक है दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग बड़ा नेगेटिवली भी इस चीज़ को बोलते हैं कि ओ यार इट्स नॉट दैट इजी यू ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक अ पीस ऑफ केक एंड लाइक हम लोग के पेरेंट्स तो जी 12 साल 15 साल से गल्फ में हैं और उन लोगों ने तो इतना नहीं किया मतलब जैसे तुम दिखा रही हो उनकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है पूरी फैमिली के लिए फ्री वीजा हम कैसे अफोर्ड करें एंड फ्लान आर्ट माँ का बहुत सी चीज़ें उसमें ठीक है नेगेटिवली भी बहुत से लोग बात बोलते हैं तो मैंने कभी भी नहीं बोला इट्स अ पीस ऑफ केक ठीक है मैंने ये ज़रूर बोला है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर लोग अच्छे मिल जाते हैं आपको और यहाँ पे काम है अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो आपको आपकी डायरेक्शन पता है आपको अपना गोल पता है और आपको काम ढूंढने का तरीका आता है यहाँ काम है प्लस डिजिटल ज़माना है लोग लिंकड के थ्रू लोग इंस्टाग्राम के थ्रू लोग आपको आपके किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्टेंस के थ्रू अप्रोच कर लेते हैं इफ दे नो यू ठीक है इफ़ इफ यू कैन शो योर पोर्टफोलियो पीपल कैन डेफिनेटली अप्रोच यू एंड यू कैन अप्रोच पीपल अगर आप मैं उन लोगों में सी हूँ जो अपने प्रपोजल थाउजेंड कंपनीज़ को भेजती हैं उसके बाद सिर्फ दो कंपनीज गेट बैक करती हैं ठीक है इट मे लुक लाइक ए प्रिंसेस लाइफ के यार बहुत इजी है मैं तो बहुत कर करी हूँ मुझे तो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ओ एंड एवरीबडी यू नो दे जस्ट वॉन्ट मी टू वर्क फॉर देम मुझे जितनी रिजेक्शन मिलती हैं मैं अगर अपनी मोटिवेशन लूज़ करना चाहूँ मैं इस मोमेंट पे लूज़ कर सकती हूँ लेकिन आई डोंट डू इट बिकॉज आई नो माय वर्थ आई नो माय वर्क एंड आई नो कि मैं क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती आपको जॉब करने के लिए डिग्री चाहिए होती आपको बिजनेस करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए होती एंड आई एम नॉट अ जॉब ओरियंटेड पर्सन ठीक है आई वर्क विद पीपल एंड आई डोंट वर्क अंडर एनी आई वर्क फॉर पीपल आई वर्क विद पीपल आई डोंट वर्क अंडर एनी द फर्स्ट पॉइंट इज दिस ठीक है बाकी जहां तक बात ये है कि इट आई मेक इट लुक लाइक सो इजी आई थिंक आई आई जस्ट सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट एंड आई ट्राई टू मोटिवेट पीपल बाय सीइंग दिस पॉजिटिव साइड ऑफ इट ठीक है मैं नहीं चाहती कि लोग नेगेटिव चीज़ों को सोच के अपनी मोटिवेशन को लूज कर दें ठीक है एक रास्ता जब आप मेरे लिए चुन लेते हो ना तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हर्डल्स ना मिलें मैं तो कभी भी नहीं कहती कि मुझे हर्डल्स नहीं मिली मैं अगर अपने थाउजेंड प्रपोजल भेजती हूँ ना तो उसमें से नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट रिजेक्ट होते हैं दो एक्सेप्ट होते हैं ठीक है तो इट वर्क्स दैट वे अब मैं अपनी स्ट्रगल अपनी जर्नी वो सारी चीज़ें नहीं दिखाती लोगों को बिकॉज आई थिंक आई थिंक के यू शुड वर्क ऑन योर गोल्स क्वाइटली वंस यू अचीव दम लेट द वर्ल्ड नो लोगों को खुद पता चल जाता है सो दैट्स हाउ आई एम वर्किंग एंड आई थिंक आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट सो दैट जो कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर कि या तो कोई शुगर डेडी है ठीक है या क्या होता है <laughs> मतलब बुलशिट यार मुझे तो ऐसी बातें सोचते हुए कहते हुए किसी के बारे में जो है ना हंसी आती है और अफसोस होता है कि यार एक बंदा आपको नज़र आ रहा है कि उसने मतलब शुरू से अपने लिए मेहनत की है और अब तक वो कर रहा है तो आई थिंक इसमें सिर्फ ये फैक्टर होता है कि आप किसी को ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते आपसे क्योंकि एक काम होता है जो आप ख़ुद नहीं कर सकते होते आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में तो जो लोग कर रहे होते हैं अपनी मेहनत से वो भी आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं ये नहीं कर सकता इसके पीछे यकीन कोई ना कोई नेगेटिव मोटिव होगा सो so, थोड़ा सोच को पॉजिटिव करें बेहतर करें और क्या होता है अगर कोई सवाल हैं कोई कन्फ्यूजनस हैं आप लोग बड़े प्यार से इज्जत से भी पूछ सकते हैं बदतमीजियाँ करना इस्लाम के नाम पर बकवास करना गालियाँ देना इन चीज़ों पर तो खैर मेरा बिलीव ही नहीं है ठीक है तो अच्छे बन के रहें ना आपको अजियत मिलेगी ना आप किसी को अजियत देंगे ठीक है क्योंकि जो आप किसी के साथ करते हो जो अल्फाज आप किसी को बोलते हो वो मुड़ के आपके घर में ही आते हैं सो so, हमेशा कुछ भी बुरा बोलने से पहले कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले दस दफ़ा सोचें ताकि आपको खुद के लिए वो चीज़ कल को जब बर्दाश्त करनी पड़े तो फिर आपको याद वो यार मैंने भी तो किसी वैसे बोला था बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें रियलाइज़ हों सो ग्रो एंड लेट अदर्स ग्रो लिव एंड लेट अदर्स लिव ठीक है अभी आई हैव टू लीव सो लेट्स जस्ट गो एंड सी के क्या सीन्स हैं हमारे जस्ट गॉट डन विद द मीटिंग अमेजिंग इट मैंट रियली रियली गुड एंड अभी मुझे घर जाना है मुझे एकदम से दाल खाने का बहुत सीरियस मूड हो गया घर जाकर मैं दाल बनाऊँगी तड़के वाली और साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी सो so, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया घर चलते हैं दाल बनाते हैं और डिनर इन्जॉय करते हैं